सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास पढ़ा रहा हूँ। तो आज हम लोग छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में देखेंगे छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय राजवंश के बारे में। तो आप यहाँ पे देखिए, तो देखिए आप यहाँ पे पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रीय राजवंश के बारे में, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है मौर्य वंश, सातवाहन वंश, वाकाटक वंश, कुषाण वंश और गुप्त वंश। तो ये सारे वंश जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दक्षिण कोसल के राजवंश के बारे में, और इस वीडियो में हम लोग राजर्षि तुल्य कुलवंश के बारे में देखेंगे और सरगपुरी वंश के बारे में देखेंगे। तो इन दोनों वंश के बारे में देखने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग देखते हैं राजर्षि तुल्य कुलवंश के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, पहला वंश जो है छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश के अंतर्गत, वो है राजर्षि तुल्य कुलवंश। ये जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम क्षेत्रीय राजवंश है। इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान रखते जाना, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम क्षेत्रीय राजवंश है राजर्षि तुल्यक वंश। इस राजवंश की अवधि चौथी से लेकर छठवीं शताब्दी के बीच आरंग क्षेत्र में थी। आरंग क्षेत्र में चौथी से लेकर छठवीं शताब्दी के बीच राजर्षि तुल्यक वंश जो थे इस समय थे। इसका प्रमाण जो है हमें आरंग से प्राप्त ताम्रपत्र गुप्त संवत 182 या 282 से मिलते हैं। तो जो आरंग से प्राप्त हुए ताम्रपत्र, जो कि गुप्त संवत के अनुसार 182 संवत या फिर 282 संवत के समय था, उस समय के आरंग से प्राप्त ताम्रपत्र के अनुसार अवधि कितनी थी? चौथी से छठवीं शताब्दी राजर्षि तुल्यक वंश की। आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए, इस राजवंश के राजा ने राजयोगी की उपाधि धारण की थी। तो राजर्षि तुल्यक कुल वंश के जो राजा थे, उन्होंने राजयोगी की उपाधि धारण की थी। तो देखिए, इनकी राजमुद्रा सिंह थी और इन्हें सुरावंश के नाम से भी जाना जाता था। सुरावंश के नाम से क्यों जाना जाता था? क्योंकि इस वंश के संस्थापक जो थे सुरा प्रथम थे। तो राजर्षि तुल्यक कुल वंश के जो संस्थापक थे सुरा प्रथम थे, जिस कारण इस वंश को सुरावंश के नाम से भी जाना जाता था। अन्य जो इनके महत्वपूर्ण शासक थे उनका नाम आप यहाँ पे देखिए। दाई प्रथम जो थे वो महत्वपूर्ण शासक थे, विभीषण थे, भीम प्रथम थे, दाई द्वितीय थे और भीम द्वितीय थे। तो ये जो शासक थे महत्वपूर्ण शासक थे इस वंश के, और इस वंश के संस्थापक थे सूरा प्रथम, जिसके कारण इस वंश को सूरा वंश के नाम से भी जाना जाता था। आगे देखते हैं हम लोग। सूरा के वंशजों के द्वारा गुप्त संवत का प्रयोग मिलता है, जिससे पता चलता है कि इस वंश के शासकों ने गुप्तों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो देखिए, यहाँ पे सूरा के जो वंशज थे उनके द्वारा गुप्त संवत का प्रयोग मिलता है। जैसे कि मैंने बताया अभी आपको, गुप्त संवत 182 से लेकर 282 के आसपास का समय, तो उसी प्रकार गुप्त संवत के प्रयोग मिलता है सूरा वंश के शासकों से। तो राजर्षि कुल वंश या फिर सूरा वंश के जो शासक थे वो गुप्त संवत का प्रयोग करते थे, जिसका मतलब ये है कि इन्होंने गुप्त वंशों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। आगे देखते हैं हम लोग सरगपुरी वंश के बारे में। तो देखिए, दूसरा वंश है जो छत्तीसगढ़ के दक्षिण कोसल के क्षेत्रीय राजवंश थे, वो थे सरगपुरी वंश। और इस वंश का जो अन्य नाम था अमारे कुल वंश या फिर अमरज कुल था। देखिए, इस वंश का अमारे कुल या अमरज कुल जो है दूसरा नाम है, और वहीं पर हम राजर्षि तुल्य वंश की बात करें तो उसका दूसरा नाम है सूरा वंश। आगे देखिए आप यहाँ पे, सरगपुरी राजाओं ने पांचवी से छठवीं शताब्दी के बीच इस राज्य में शासन किया था। तो जब हम लोग बात करें राजर्षि तुल्यक वंश के, तो वो चौथी से छठवीं शताब्दी के बीच थे और ये जो थे पांचवी से छठवीं शताब्दी के बीच थे। इस वंश की जानकारी भानुगुप्त के एरन अभिलेख, इंपॉर्टेंट है, भानुगुप्त द्वारा रचित एरन अभिलेख जो की 510 ईस्वी में रचित की गई थी। तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से जानकारी मिलती है कि इनका जो वंश था इसी समय था। सरगपुरी वंश का प्रमुख धर्म वैष्णव धर्म था, जिसे परम भागवत भी कहा जाता है, तथा राजकीय चिन्ह इनका गजलक्ष्मी थी। तो गजलक्ष्मी इनका राजकीय चिन्ह है। धर्म की बात करें तो वैष्णव धर्म है, और भानुगुप्त के एरन अभिलेख से इनकी जानकारी मिलती है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग। तो देखिए, हम लोग देखते हैं सरववंशी शासकों के बारे में। तो सभी शासक इंपॉर्टेंट है। चलिए, पहला शासक की बात करें तो सरबराज थे पहला शासक। इस वंश के प्रथम शासक व संस्थापक सरबराज थे,
जिनकी राजधानी सरापुर जो कि संबलपुर है, अब वो क्या है, उड़ीसा में है। जो संबलपुर एरिया है वो उड़ीसा में चला गया है, तो सरबपुर नाम की राजधानी बसाई थी सरबराज ने, जो कि अभी का संबलपुर है और पहले का सरबपुर। वह उपराजधानी श्रीपुर, तो श्रीपुर मतलब सिरपुर, जो अभी सिरपुर है उसे श्रीपुर कहा जाता था, तो उपराजधानी श्रीपुर और राजधानी सरबपुर। तो इन्होंने सिक्कों पर पहली बार प्राकृत के स्थान पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। तो सरबवंशी शासक सरबराज ने सिक्कों पर जो प्राकृत भाषा का प्रयोग होता था उसके स्थान पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया है। ये जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, इसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग सरबराज ने किया था सिक्कों पर। आगे देखते हैं हम लोग, दूसरा शासक की बात करें जो कि प्रसन्न मात्र थे, तो इनके बारे में लिखिए, स्वर्ण मुद्रा प्रचलित करने वाले प्रथम शासक थे। प्रसन्न मात्र जो कि स्वर्ण मुद्रा प्रचलित करने वाले प्रथम शासक थे सरबवंशी शासकों में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन को, तो इसको आप जरूर ध्यान रखें। स्वर्ण मुद्रा प्रचलित करने वाले प्रथम शासक जो थे सरबवंश के, वो प्रसन्न मात्र थे। निडला नदी, तो जो अभी लीलागढ़ नदी है, महानदी की सहायक नदी लीलागढ़ नदी, उसे उस समय निडला नदी के नाम से जाना जाता था। तो निडला नदी के तट पर प्रसन्नपुर, जो अभी मल्हार है उसे प्रसन्नपुर कहा जाता था, तो प्रसन्नपुर नगर स्थापित कर उसे राजधानी बनाया था प्रसन्न मात्र ने। तो दो चीज इंपॉर्टेंट ध्यान देना है आपको प्रसन्न मात्र से संबंधित, स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था इन्होंने, और इन्होंने प्रसन्नपुर जो कि अभी का मल्हार है उस नगर को स्थापित कर उसे राजधानी बनाया था। सरबराज ने अपनी राजधानी सरबपुर जो कि संबलपुर है उसे बनाया था, लेकिन प्रसन्न मात्र ने प्रसन्नपुर जो कि मल्हार है उसे अपनी राजधानी बनाया था। आगे देखते हैं हम लोग, जयराज इस वंश के अगले शासक, तो इसकी जानकारी हमें मल्हार ताम्रपत्र से होती है। तो इसके बारे में इतना ही इंपॉर्टेंट है कि मल्हार ताम्रपत्र से जयराज की जानकारी होती है। आगे है आपके मान मात्र, तो देखिए मान मात्र मल्हार ताम्रपत्र के अनुसार इन्होंने दुर्ग नगर की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, दुर्ग नगर की स्थापना किसने की थी, तो मान मात्र ने की थी जो कि सरबवंशी शासक थे, इसलिए इन्हें दुर्ग राज के नाम से भी जाना जाता था। तो दुर्ग नगर बसाने के कारण मान मात्र को दुर्ग राज नाम से भी जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए अगला शासक है सुदेव राज, तो इसका जो सामंत था इंद्रबल था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंद्रबल के बारे में बार बार पूछा जाता है कि इंद्रबल किसका सामंत था, तो सुदेव राज के। प्रदेश में प्राप्त सर्वाधिक ताम्रपत्र इन्हीं से संबंध है, तो सुदेव राज से संबंध है प्रदेश में प्राप्त सर्वाधिक ताम्रपत्र। और यहाँ पर देखिए इंद्रबल जो थे सामंत थे, सामंत कहने का मतलब ये है जो राजा के अधीन रहकर काम करता है, मतलब राजा के सेनाओं को तैयार करना, राज्य की सुरक्षा का ध्यान रखना, ये सभी जो चीज है वो सामंत करता है, तो सुदेव राज का सामंत था इंद्रबल। आगे देखिए आप प्रवर राजदूती, तो प्रवर राजदूती जो थे अंतिम सरबपुरी शासक थे, इन्होंने सिरपुर को अपना राजधानी बनाया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, प्रवर राजदूती ने सिरपुर को अपना राजधानी बनाया। इन्हें सामंत इंद्रबल ने पराजित कर प्रदेश में पांडु वंश की नींव रखी। तो सामंत इंद्रबल ने प्रवर राजदूती को हराकर प्रदेश में पांडु वंश की नींव रखी है। तो इम्पोर्टेंट है सामंत इंद्रबल जो कि सुदेव राज के सामंत थे। आगे देखते हैं हम लोग, देखिए सरबवंशी राजधानी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए सरबराज जो थे सरबवंश के शासक थे और ये उसके संस्थापक भी थे, तो इन्होंने सरबपुर जो कि संबलपुर है और अभी उड़ीसा में है, इन्होंने सरबपुर को राजधानी बनाया था सरबराज ने। प्रसन्न मात्र ने प्रसन्नपुर को राजधानी बनाया था जो कि अभी मल्हार है, और प्रवर राज ने सिरपुर को राजधानी बनाया था। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि किसने राजधानी परिवर्तन करके प्रसन्नपुर को राजधानी बनाया या फिर किसने सिरपुर को राजधानी बनाया, ये चीज पूछा जाता है। इस वंश के महत्वपूर्ण बातें को देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बिंदु है उसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु को यहाँ पे बताया गया है। पहला, सरबपुरी रानियों ने ताला गांव में मनियारी नदी के तट पर देवरानी जेठानी मंदिर बनवाया था। इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि किसने देवरानी जेठानी मंदिर बनवाया है, तो सरबपुर की रानियों ने, और कहां पर, तो ताला गांव में मनियारी नदी के तट पर। अगला है, सरबपुरी राजाओं में सर्वाधिक ताम्रपत्र सुदेव राज की प्राप्त हुई है,
तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी आप ध्यान रखें कि सर्वपुरी राजाओं में सर्वाधिक ताम्रपत्र जो है सुदेव राज की प्राप्त हुई है, और सुदेव राज के सामंत थे इंद्रबल, ये भी आपको ध्यान रखना है। ब्राह्मणों को दान देने की प्रथा का पालन सर्वपुरी राजवंश करता था, तो इस वंश में ब्राह्मणों को दान देने की प्रथा का पालन किया जाता था। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला एकमात्र सर्वपुरी शासक जो था वो था प्रसन्न मात्र। तो प्रसन्न मात्र ने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे इस वंश में। तो यहाँ पे आगे देखिए, आगे है सर्वपुरी शासकों के ताम्र पत्रों में जारी करने की तिथि मिलती है, स्थान मिलता है, वर्ष मिलता है और शासक का नाम उत्कीर्ण मिलता है, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं मिलता, तो परंतु यहाँ पर चित्र नहीं मिलता है। ये भी जो है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सर्वपुरी शासकों के ताम्र पत्रों में क्या चीज उत्कीर्ण नहीं मिलता है, तो चित्र उत्कीर्ण नहीं मिलता है। क्या क्या मिलता है, तो तिथि मिलता है, स्थान मिलता है, वर्ष मिलता है, शासक का नाम उत्कीर्ण मिलता है, परंतु क्या नहीं मिलता, तो चित्र नहीं मिलता। तो ये जो सारी चीज अभी आपको इस वीडियो में बताया गया है वो सारी चीज इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे गए चीज है। तो इन सभी चीजों को आप दो तीन बार देखिए, वीडियो को दो तीन बार जैसे ही आप देखेंगे सारी चीज आपको याद हो जाएगा, और आपका ये वीडियो जो है यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि हमने इस वीडियो में राजर्षि कुल्य वंश और सर्वपुरी वंश के सभी महत्वपूर्ण चीजों को देख लिया है। अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश में पांडु वंश के बारे में।